कोरोना वायरस एक बार फिर से तांडव मचा रहा है। कई नेता, अभिनेता, मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते दो दिनों में मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपनी जांच करवा लें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना वायरस से दूसरी बार संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर आज ही वे अपने आवास पर इमरजेंसी मीटिंग भी की थी। उन्हें मणिपाल अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मंत्रालय में कई स्टाफ के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद खुद को अपने घर पर आइसोलेट कर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में अपने आवास पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने की अपील की है। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल कोविड-19 से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने कहा कि संपर्क में आए लोग टेस्ट करवा लें। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने और जरूरी सावधानी बरतने के लिए कहा है। साउथ इंडियन एक्टर पवन कल्याण भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एक्टर पॉलिटिशियन को लेकर कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि उनकी पार्टी के स्टाफ के कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद एक्टर ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया था। हरिद्वार में कुंभ समाप्ति की घोषणा करने वाले श्री पंचायती निरंजरी अखाड़े के श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रवार को उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सर संघ चालक मोहन भागवत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी देखभाल कर रहे चिकित्सकों की टीम ने ये फैसला लिया है। हालांकि उन्हें अगले 5 दिन तक घर पर ही क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत 9 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। उन्हें नागपुर के किंग्स वे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये रही कोरोना से जुड़ी वो रिपोर्ट जिसमें हमने बताया आपको कि आज के दिन कौन कौन से वो बड़े लोग थे जो कोरोना की चपेट में आए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।